कानपुर का दिल्ली पब्लिक स्कूल चुनावी फरमान को लेकर विवादों में आ गया है। डीपीएस ने अपनी 3 ब्रांच में पेरेंट्स को सर्कुलर जारी कर कहा है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट वंदना मिश्रा को समर्थन दें। ये नोटिस बाकायदा बच्चों के हाथ में थमाया गया है। वंदना मिश्रा कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की करीबी है। खुर्शीद डीपीएस की मैनेजमेंट कमेटी में है। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने दावा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी भारी जीत हासिल करेगी। वाराणसी पहुंचे पांडे ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी का जादू बरकरार है। योगी सरकार बनने के बाद यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। पांडे ने निकाय चुनाव में टिकटों की कलह के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। जौनपुर पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विधायक शैलेंद्र यादव और एमएलसी ब्रजेश सिंह के घरों पर छापे मारे, लेकिन तीनों का ही नहीं पता चल पाया। ये छापे प्रतापगढ़ के सांसद हरवंत सिंह पर हमले के मामले में मारे गए। 6 नवंबर को हरवंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। सांसद की गाड़ी भी जला दी गई थी। पुलिस ने तीनों नेताओं समेत 150 लोगों पर केस दर्ज किया था। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सैफई में अपने कॉलेज में भगवान कृष्ण की भव्य मूर्ति लगवा रहे हैं। कॉपर की कृष्ण मूर्ति 51 फीट ऊंची है। इसका वजन 7 टन है। मूर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में लगाई जा रही है। मूर्ति नोएडा से बनकर आई है। सैफई में इसके सारे टुकड़ों को जोड़ा जा रहा है। इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल की लापरवाही से एक महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। महिला को तेज दर्द के बीच लेबर रूम से बाहर कर दिया गया। कुछ महिलाओं ने सड़क पर उसकी डिलीवरी कराई। उसके बच्चे को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल का कहना है कि मरीजों की ज्यादा भीड़ हो जाने से गलतफहमी पैदा हुई और डॉक्टर महिला की स्थिति ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। यूपी के मुगलसराय स्टेशन पर भीड़ ने एक पॉकेटमार को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मुगलसराय स्टेशन पर जेब कतरों का पहले से ही खौफ है। पॉकेटमार एक युवक की जेब से पर्स निकालकर भाग रहा था। शोर मचाते ही लोगों ने उसे पकड़ लिया। जीआरपी के जवान काफी देर बाद वहां पहुंचे। पराली का धुआं और प्रदूषण एक और हादसे की वजह बन गया। पंजाब के फरीदकोट में एक ट्रक ने रेहड़े को टक्कर मार दी, जिससे एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल रेहड़े पर 8 लोग बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त स्मॉग बहुत ज्यादा था। जालंधर में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर HDFC बैंक की कैश वैन से 1,14,00,000 रुपए लूट लिए। तीनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। लूट में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई, लेकिन लूटा गया कैश अभी तक हाथ नहीं आया है। पैसा लेकर भागे लुटेरों की भी पहचान कर ली गई है। पंजाब के मोगा में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 85,000 रुपए लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पेट्रोल पंप के पास इन लोगों ने कंपनी के मैनेजर के सिर पर वार करके रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। मैनेजर बाजार से कलेक्शन के बाद ये पैसा लेकर अपनी कंपनी के दफ्तर लौट रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी की फीस कमेटी ने अगले सत्र से फीस में 10% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव सिंडिकेट और सीनेट से पास होता है तो हर छात्र पर 500 से 2,000 रुपए तक का बोझ बढ़ेगा। परीक्षा फीस भी बढ़ाई गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी को इस बढ़ोतरी से 7 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। पिछली बार छात्रों के विरोध को देखते हुए फीस बढ़ोतरी वापस ले ली गई थी।